हमने बॉल बनाई और बॉल का हमने बना लिया ड्रॉप, ठीक है। ये हमने ड्रॉप सा बना लिया। ड्रॉप के बाद हमने दो सर्कल लिए, ऐसे दो सर्कल लिए, इनको हमने ऐसे दबाया, ये हमने दबाया, इसको दबाया, ठीक है। हमने इसको इस पे ओवरलैप कर दिया ऐसे करके, और इस वाले को ऐसे करके यूँ ओवरलैप कर दिया, इतना बनाएं कि ये पूरे आ जाए ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम फोर लेंगे, फोर वन टू थ्री फोर, ओवरलैपिंग किए फोर बर्ड्स बना के, ऐसे रखा, अब सिक्स की बनाएंगे। इस तरह करके हम बनाते रहेंगे, और इसको कट करने का तरीका ये है, अगर आपने अच्छा से इसको कट करना है तो आप इसको थ्रेड से कट करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये सेकंड मेथड है रोज़ बनाने का। एक हमें एक बॉल चाहिए, तीन अलहदा चाहिए और फाइव अलहदा चाहिए, ठीक है। नंबर वन स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमने बॉल ली, इसको हमने यहाँ से साइड से ऐसे प्रेस किया, प्रेस किया तो ये देखें नीचे से मोटा है ऊपर से पतला सा, ठीक है, इस तरह। इधर से ये पतला है, ये साइड पतली है, ये मोटी है। अब हमने क्या करना है, यूँ पकड़नी है और इसको ऐसे हमने यूँ जस्ट रोल करना है ऐसे, ठीक है। ये रोल हो गया, अब ये हम लेते जाएंगे, यूँ प्रेस किया, इस तरह लगा दिया, ठीक है, यूँ। दूसरे को ओवरलैप कर दें हल्का सा, तीसरा लिया, तीसरे को ओवरलैप कर दिया और यूं ओवरलैप करके उसके बाद हमने इसको इस तरह करके फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये ठीक है, इसके बाद पांच को लेंगे, उसको भी यही स्टेप करेंगे। चाहें तो ड्रॉप शेप में बना लें, जो ये आखिरी वाली हैं इनको ऐसे ड्रॉप बना के और इनको यूं कर दें, यूं यहाँ पे ये एक लगाई, ऐसे इसको बनाया और यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रॉप शेप कर दी, ठीक है, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब अगर इस तरह नहीं बन रही तो यूँ करके ऐसे बनाएं, ये ड्रॉप बन जाएगा। ड्रॉप बन के इसको थोड़ा प्रेस करें,
ऐसे करके बिल्कुल ड्रॉप नहीं बनाना, तो फिर इसको ऐसे कर दें यूं, ये ऐसे करके इस पे ओवरलैप कर दें, ये तीन हो चुकी हैं। ड्रॉप बनाए ना बनाए, चाहे ऊपर से पतला कर लें, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई ये नहीं होता जी 100% यही शेप आनी चाहिए। यूं करके इस तरह ये हमने इस तरह प्रेस कर दिया, यहाँ से ये 5 आ गई। इसके बाद फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखें, ये हमारा रोज बन गया। अगर आपके थोड़ा ओवरलैप डबल आ रहा है, आप थोड़ा इसको क्लोज कर दें, पेटल्स को क्लोजली ले लें, तो ये आपका बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ये अब चाहें दोबारा आप इसको यूं करके कोई शेप दे लें, ये कोई बढ़ा लें, ये ठीक है। अब मुझे ये चाहिए इस तरह खिली हुई कली नुमा। अभी आपने इसको और फूल की तरह बढ़ाना है, तो आप इसको अब आगे से 7 ले लेंगी, ठीक है, 7 या 6 पेटल कर लें। और ये याद रखें कि इधर ये इसके ऑपोजिट साइड पे लगाना है, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो इधर फुल पेटल आए। अब अगली लेयर आप करेंगी तो ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो इधर ओवरलैप ना करे दूसरी पेटल, वो इसके सेंटर में आए, ठीक है, और ओवरलैप जो है वो इसके इसके पत्ते के बीच में आए। मुझे ये डेकोरेट करना है, तो इसी तरह मैं